कोरोना की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश ने बहुत कुछ देखा है। प्रदेश आज भी नहीं भूला है कोरोना के दौर में हुई ढेरों मौतें। अस्पतालों के हालात जब जनप्रतिनिधि खुद बेबसी कर रोना रो रहे थे। दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ एक वादा किया गया कि तीसरी लहर को देखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए हर जिले में पुख्ता इंतजाम अभी से शुरू कर दिए गए हैं। अफसरों ने लोगों को इत्मीनान दिलाना शुरू कर दिया। हर दौरे पर मंत्री लोगों के बीच बेडों की संख्या का किस्सा रखने लगे, लेकिन हकीकत फिर खोखली निकली है। फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू का कहर बरपा है। कई ने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है, फिर लोगों के सामने है वो अपंग सी व्यवस्था, वो झूठे दावे, वो खोखले इंतजाम। फिरोजाबाद में 100 बेड वाले मेडिकल कॉलेज में 350 से ज्यादा लोग एडमिट हैं। एक बेड पर दो दो मरीज। हाल समझिए अव्वल व्यवस्था का दावा ठोकने वाले प्रदेश का। मौतों के बाद फिर अफरा तफरी मची हुई है। आखिर बताना भी तो है कि व्यवस्थाएं कहां लापता हैं। मौतों के बाद क्षेत्रों में साफ सफाई का काम शुरू हुआ है। खैर, प्रदेश ने फिर देख ली है कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की आपकी खोखली तैयारियां। और कितनी बार झूठ बोले जाएंगे, कितनी बार व्यवस्थाओं का तमाशा बनाया जाएगा, कितनी बार जनता को रुलाया जाएगा। क्यों इन झूठे अफसरों से हिसाब नहीं होता है? क्यों इनको सलाखों के पीछे नहीं धकेला जाता? कब तक खेला जाता रहेगा मौत का यह भयानक खेल? सच कहें, अधिकारियों के झूठ और सरकार के उस इत्मीनान ने फिरोजाबाद का यह हाल किया है। हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, हमने जिम्मेदारी से सवाल किया है। इमामपुर से क्या हुआ है आपको? लाइन में कब से खड़े हैं? सुबह 7 बजे से लगे हैं। अभी नंबर नहीं आया। सैंपल ले रहे हैं। क्या क्या दिक्कत है? बच्चे को बुखार आ रहा है। कब से खड़े हो यहाँ पे? आधा घंटा हो गया। तो यहाँ पर कोई है नहीं काउंटर? नहीं, यहाँ दवा मार रही थी इसलिए यहाँ कोई कुछ सारे दोनों लोग चले गए हैं। अच्छा, कितनी देर हो गए हुए? वो अभी 30 मिनट हो गए। कहाँ से आए आप? हाँ, गोल्डा रोड से। जांच के लिए? यहाँ कोई है नहीं?